चलिए आज हम बनाते हैं सोया पालक की सब्जी। गैस ऑन कर देते हैं। इसी के साथ हमने ये सोया क्रंच लिए हैं, इस तरह से छोटे साइज के मिनी। इसे हमने पानी में डाला है और इसे भी हम एक साइड में बॉईल होने को रख देते हैं। पैन गरम हो चुका है, इसके अंदर हम ऑयल डाल देते हैं। हल्का सा ऑयल डाल देंगे। ऑयल गरम होते ही इसके अंदर हम जीरा, थोड़ा सा जीरा, अदरक लहसुन और कुछ हरी लाल मिर्ची इन्हें डाल देते हैं और इसे हम हल्का सा गुलाबी होने तक रोस्ट कर लेते हैं। देखिए हमारा ये लहसुन अदरक मिर्ची बहुत अच्छा ब्राउन गोल्डन रोस्ट हो गया है। इसी के साथ अब हमने प्याज डाल देना है, बारीक कटे हुए। हमने दो बड़े साइज के प्याज लिए थे। अब हमने हल्के से प्याज को ब्राउन होने तक भून लेना है। इसी के साथ हम चेक करते हैं, देखिए हमारे सोया भी बन चुके हैं, बॉईल हो गए, फूल गए। बस अब हमने क्या करना है, गैस बंद कर देना है और थोड़ा दो मिनट के बाद इसे ठंडे पानी में अच्छी तरह वॉश करके निचोड़ लेना है। देखिए हमारे प्याज बहुत ही बढ़िया गोल्डन ब्राउन भून के हो गए हैं। अभी स्टेज पे हमने ये नमक रखा है, सेंधा नमक 1 टीस्पून ये डाल दिया है और हमने हल्दी और धनिया पाउडर दोनों रखे हैं, ये भी डाल देंगे इसमें और इसे चला लेंगे, थोड़ा सा अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अब हमने क्या करना है, ये जो सोया थे इन्हें हमने अच्छी तरह वॉश करके निचोड़ लिया है, बिल्कुल इस तरह देखिए। अब हम इसमें सोया डाल के 2 मिनट तक इसे अच्छी तरह भून लेते हैं सोया डालने के बाद, ताकि सोया में मसाला पूरा रच जाएगा। देखिए हमारे ये बहुत ही अच्छी तरह मिक्स हो गए, रोस्ट हो गए सोया चंक। अभी स्टेज पे हमने क्या करना है, कटी हुई पालक है, पालक को हमने अच्छी तरह साफ किया था, 3 से 4 पानी में वॉश किया था और फिर कट कर लिया था। बस इसे इस तरह से डाल दीजिए, ये पालक की वजह से भर जाएगा लेकिन इसका 2-4 मिनट में ही पालक नीचे बैठ जाएगी। इसके लिए हमने क्या करना है, अब सिर्फ इसको डाल देना है, इसमें पानी थोड़ा भी नहीं डालना है क्योंकि पालक का अपना ही पानी होता है इसके अंदर। बस इसे हमने मिक्सिंग भी नहीं देना है, ऐसे छोड़ देना है और 4 से 5 मिनट बाद इसे मिक्सिंग करेंगे। देखिए पालक नीचे बैठ चुका है अच्छी तरह से। अब हम इसे थोड़ा सा हिला के 5 मिनट छोड़ देते हैं, ये रेडी हो जाएगी। देखिए ये हमारी सब्जी बिल्कुल बन के रेडी हो गई है, एकदम फर्स्ट क्लास, बहुत बढ़िया, एकदम सूखी जूसी सब्जी बन गई है। तो हमने गैस को स्टेज पे बंद कर दिया है। तो आप ये सब्जी जरूर घर में ट्राई कीजिए, झटपट बन जाती है और बहुत सारी मात्रा में प्रोटीन होता है इसमें और ये बहुत ही हेल्दी है, ग्रीन सब्जी है, सोया है। तो आप ये ट्राई करेंगे तो ही पता चलेगा। मैं तो अक्सर हफ्ते में मेरे पास 1 से 2 बार ये जरूर बनती है। तो चलिए अगली रेसिपी में फिर से आपको मिलती है। नेहा मल्होत्रा, धन्यवाद।